कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। और आपने होली कैसे मनाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये है होली हो गई है लेकिन अपना रंग अभी तक नहीं छोड़ रही है। तो ये लगा दी है मैंने कपड़े धोने के लिए, बहुत सारे कपड़े थे और अभी और भी धोने के लिए है। तो ये सेकंड टाइम है मैं इनको एक बार धो रही हूँ तो फिर थोड़ा पानी निकल जाता है, कलर निकल जाता है, तो फिर इसको सेकंड टाइम लगा दिया है धोने के लिए। और साथ ही में मैंने किचन में लगा दी है चाय। अभी सुबह का टाइम है, लगभग 7 बजे हैं, तो साथ में चाय भी लगाई है। और ये देखिए, ये सेकेंड टाइम वाले कपड़े हैं, सेकेंड टाइम भी लगा दिए मैंने। बहुत ज़्यादा कपड़े थे धोने के लिए तो बस अब मैं कपड़े भी धो लूँगी और फिर कब बनाऊँगी अब ब्रेकफास्ट। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो मैं हूँ किचन में और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी। मैंने बना दी है, ये देखिए मैंने बना दी है, मैंने बनाई है आज शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी। प्याज ज़्यादा डाला है और टमाटर भी डाले हैं और ये बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। मैं ये देखिए हो चुकी है हमारी सब्जी तैयार, बस अभी 5 मिनट लगेंगे और बस फिर रेडी हो जाएगी। बहुत इजी सब्जी होती है, तो मैं भूल गई थी इसको उस टाइम वीडियो बनाना, तो बस मैंने अभी याद आया मुझे जब मैंने पनीर डाला कि यार मैंने वीडियो तो बनाई नहीं। तो बस हमारी सब्जी बन चुकी है और मैं चपाती लगाऊंगी, हस्बैंड जा रहे हैं ऑफिस। ये देखिए सब्जी बन चुकी है और बच्चे हैं घर में, क्योंकि बच्चों की है ऑनलाइन क्लासेस अभी 4 अप्रैल तक, तो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस है तो बच्चे घर पे हैं। और ये तो मैं सुबह बना देती हूँ, आज कपड़े धोने का काम हुआ क्योंकि होली वाले बहुत सारे कपड़े थे जो कि धोने के लिए थे, तो मैंने पहले वो सुबह उठ के वही धोए और उसके बाद मैंने सब्जी काटी और सब्जी बना दी है। अब मैं चपाती लगाऊंगी, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस उनके लिए। और अभी टाइम लगभग 8:30 हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ अभी सब्जी। बच्चों की क्लास अभी 9 बजे से ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगी, तो तक मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो चलिए फिर थोड़ी थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी पूरा साफ़ करने के लिए है, अभी कुछ किया नहीं है, अभी सिर्फ सब्जी बना रही हूँ और बाकी कुछ किया नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अब मैंने चपाती बनानी शुरू कर दी है। ये मैंने आटा गूंथ के रखा था, हमारे पास में आटा सिंपल वाला नहीं है, ये मिक्स आटा है हमारे पास जो हमने पीस के रखा है, तभी इसका कलर थोड़ा ऐसा है। और अब मैं बना रही हूँ चपाती, हस्बैंड जाएंगे ऑफिस और बच्चे करेंगे ब्रेकफास्ट, तो बस फटाफट अभी मैं चपातियाँ बना लूँगी और फिर उसके बाद और काम होगा क्योंकि सुबह सुबह पहले ब्रेकफास्ट का काम होता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? तो अब दिन का टाइम है और मैं काम करके फ्री हो गई हूँ। पूरी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू और पोछा मैंने लगा लिया है, कपड़े तो सुबह ही धो दिए थे मैंने, और लंच भी बन गया है, सब्जी है और चपाती भी बनी है। तो बस अब टाइम लगभग 2 बज गए हैं और मैं कर रही हूँ थोड़ी देर के लिए रेस्ट क्योंकि थोड़ी देर थक गई थी। और बालों में मैंने लगा लिया है ऑयल क्योंकि कल होली का रंग लगाया था तो बाल काफ़ी ड्राई हो गए थे। मिनट मैसेज आ रहा है कोई, और बस फिर ऑयल लगा लिया है मैंने और कुछ बना के रख दी है। और ये देखिए अभी भी कान में तो कैसा रंग है, निकल भी नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से लाल है अभी भी कान, कल का होली का रंग नहीं है, उतर नहीं रहा है, कहीं हरे हैं कहीं लाल है। तो बस अब मैं काम करके फ्री हो गई हूँ, बच्चों की क्लासेस हो चुकी है, सबकी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है और आस्था जा चुकी है ट्यूशन के लिए, और बाकी दोनों खेल रहे हैं बाहर। ये देखिए ये खेल रहे हैं बाहर रूम में, और ये देखिए दोनों, हेलो हाय, और ये देखिए ये दोनों बैठे हैं और कैरम बोर्ड खेल रहे हैं बाहर बैठ के, और मैं बैठी हूँ यहाँ अंदर वाले रूम में और मैं कर रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट। मैंने इनको बाहर भगाया कि तुम बाहर जाओ, नहीं तो ये टीवी देखने के चक्कर में थे कि हम टीवी लगाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। और बस अभी सारा काम हो गया है, मैंने लंच कर लिया है क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो मैंने लंच ही किया सीधा, तो मैंने लंच कर लिया है। मैंने ज़्यादा टाइम हो गया है, 12:30 बजे तक मैंने 12:30 बजे मैंने लंच कर लिया था, तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद शुरू हो जाएंगे काम पे क्योंकि अभी
काम, अभी कपड़े धोए हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ ठंड है शिमला में, तो आप देख रहे होंगे मैंने अभी भी पतली सी स्वेटर डाल के रखी हुई है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कपड़े डालने पड़ते हैं, तो सारे कल कलर वाले हो गए थे, क्योंकि आज भी थोड़ा मौसम ख़राब ही है, थोड़ा धूप ज़्यादा नहीं निकली है, हल्के बादल है, तो कपड़े बहुत ज़्यादा डाले थे और बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे धोने के लिए, तो अभी बाहर डाले हैं तो वो सूख जाएंगे, तो फिर मैं फोल्ड कर लूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए अभी बाहर खेले ही जा रहे हैं, टक टक करे जा रहे हैं बाहर कैरम बोर्ड में, और चलो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अगर टीवी लगाएंगे ना, अभी तक मोबाइल में लगे थे तो फिर आंखें खराब हो जाती है, पहले मोबाइल में क्लासेस लगाई थी और अब टीवी देखेंगे, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर तुम कैरम खेल लो और मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। जी तो मैं आ चुकी हूँ अब किचन में और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मैं इवनिंग वॉक से आ गई थी और टाइम लगभग 8 बज चुके हैं, 8 नहीं 8 से ज़्यादा ही हो गया, 8:15 हो गए हैं, और मैं बना रही हूँ दाल। दाल में तड़का लगा रही हूँ और साथ ही में मैं काट रही करेले, मुझे बहुत पसंद है करेले, तो मैं करेले काट रही हूँ अपने चॉपिंग बोर्ड पे, और यहाँ लगा रही हूँ मैं दाल में तड़का। ये देखिए मैंने माश की बॉईल करके रखी है, तो बस उसका ये उठ के रखा है, ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, और आते बोल रहा है कि मुझे लग रही है भूख, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ। अभी बस दाल में तड़का लगाऊंगी, चावल मैंने लगा दिए हैं इंडक्शन पर, इंडक्शन के ऊपर, और बस दाल में तड़का लग रहा है और साथ में काट रही हूँ मैं करेले। जल्दी जल्दी है तो सारे एक साथ काट लूंगी फटाफट, और बस फिर जल्दी। साथ ही में डाल दी मैंने हींग, अब डाल दूंगी हल्दी इसमें, आराध्य की फेवरेट दाल है ये, आराध्य माश की दाल बहुत पसंद करता है, मैं बना रही हूँ आज माश की दाल क्योंकि आराध्य को है बहुत पसंद। अगर आप कहीं मैरिज होगी ना, अगर आराध्य चला जाए तो ये सिर्फ माश की दाल खाता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए, इसकी फेवरेट है तो सिर्फ माश की दाल, आप इसको जितना खिलाओ उतना खाएगा, और बार बार यही पूछते हैं माश की दाल नहीं बची है, अगर घर में बन भी जाएगी तो ये बार बार यही पूछता है, मम्मा माश की दाल नहीं बची है क्या। तो बस अब मैं साथ ही में मेरा जब तक तड़का लग रहा है, मैं साथ में ये करेले हैं तो मैं ये करेले भी काट लूंगी, यहाँ काट रही हूँ मैं करेले। तो ये देखिए अब दाल में लग चुका है तड़का, और ये है माश और रोंगी की दाल, मैंने मिक्स करके दाल बनाई है, तो बस दाल में तड़का लग चुका है, और अब मैं साथ ही में बना दूंगी करेले, थोड़े से करेले थे तो मैं उसमें छौंका लगा दूंगी अब, और ये देखिए अच्छी बनी है, काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। तो ये देखिए अब साथ ही में मैंने करेले काट लिए थे, तो मैंने थोड़ा सा तेल डाला है, मैं इसको अलग स्टाइल से बनाती हूँ, थोड़ा सा तेल डाला है और उसमें डाल दिया है मैंने जीरा, और फिर साथ में डाल दिए हैं करेले। मैं इसमें अभी प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, प्याज मैं लास्ट में डालूँगी, थोड़ा सा ये पक जाए तो फिर उसके बाद मैं इसमें प्याज डालूँगी, तो बस थोड़ी देर के लिए, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ही टाइम लगता है इसको पकने के लिए, तो बस 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। और साथ ही में मैंने डाल दिया है अब नमक, काला नमक, और इसको पका लूँगी।
टाइम लगभग 9 बज चुके हैं और बच्चे बोल रहे हैं भूख लगी है। तो ये देखिए, ये मैंने करेले की सब्जी बनाई है। मैं ऐसे ही बनाती हूँ, अलग स्टाइल से। पहले प्याज नहीं डालती, बाद में प्याज और टमाटर डाल दूँगी। और ये दाल बन गई है और चावल वगैरह बच्चे ले जा रहे हैं। और ये देखिए, ये आस्था भी जल्दी जल्दी बर्तन ले जा रही है और बोल रहे मम्मा जल्दी करो, हमें भूख लगी है। तो बस अब खाना खाने की तैयारी है। तो चलिए, आप भी आइए हमारे साथ डिनर करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब हम डिनर करके फ्री हो जाएंगे तो फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ये देखिए कितनी जल्दी लगी है इसको, जल्दी जल्दी खाना ले जाना है बाहर। चपातियाँ बनी है, चपाती मेरे चपाती बॉक्स में बची थी दिन से, क्योंकि दिन में कम खाई थी, मैंने बना के रखी थी, तो वो बची है, तो वो काम आ जाएगी। और अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। हाँ ले जा, मुझसे पूछ रही है कि मैं लेके जाऊँ सब्जी बाहर। तो चलिए फिर अब खाना खाते हैं हम। देखिए आराध्या जो अभी हाथ पे स्पून पकड़ के बैठा है कि मुझे कब जैसे खाना मिल जाए, भूख लगी है? हाँ जी। और आपकी फेवरेट दाल कौन सी है? माश की दाल। माश की दाल इसकी फेवरेट दाल है, माश की दाल। तो अब हम खाना खा रहे हैं। खाना खाना है कि नहीं खाना है अभी? खाना है। हाँ, तो भूख लगी है और साथ में टीवी देख रहे हैं, CID लगा है और साथ में हम खाना भी खा रहे हैं। ये देखिए चावल है, सब्जी है। आस्था तो खुद ही लग गई है, ये है ना, भूख लगी है। तो अब हम खाना खाते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम जब डिनर कर लेंगे उसके बाद। तो ये देखिए, ये है आराध्य की प्लेट और आराध्य खा रहा है माश की दाल। इसमें रोंगी भी है, मिक्स दाल बनी है। और आराध्य कैसी बनी है? और टेस्टी बनी है। तो अब हम हैं और सभी डिनर कर रहे हैं। ये देखिए सबकी प्लेट लगी है और सब खाना खा रहे हैं और मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, तो मैं भी खाना खा लेती हूँ। तो अब हम डिनर हो चुका है हमारा, मैं आपको दिखा रही थी। मैं डिनर करके आ गई हूँ बाहर और मैं थोड़ा देर घूम रही हूँ बाहर, फिर उसके बाद जाऊँगी अंदर। हैवी खाना खाया है तो बस आज हमने सुबह पहले शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी बनाई। कपड़े धोने को थे, होली के कलर के बहुत सारे कपड़े धोने के लिए थे, तो फिर वो धोए। और आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा मेरा फेस, और साथ ही मैं कपड़े धो लिए, मैसेज भी आ जाते हैं, तो कपड़े भी धो लिए। और दिन भर काम था, थोड़ी देर रेस्ट भी किया, फिर उसके बाद घूमने चली गई, घूम के आई तो फिर इवनिंग वक्त पे, और फिर घूम के आई तो फिर मैंने दाल चावल और सब्जी बनाई, तो बाकी थी बनी पहले ही। और हमारा डिनर हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यही था। पूरा दिन काम ही होता है, तो आप मुझे बताइएगा मैं कैसी वीडियो बना रही हूँ। अच्छी बना रही होंगी तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं बनी होगी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो कमी होगी मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर अब आप भी सो जाइए और हम भी सोने जा रहे हैं। तो चलिए, गुड नाइट।